अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ऐसे आइसोमर जो कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के राउंड रोटेशन से मिलते हैं, उन्हीं को हम कन्फर्मर्स बोलते हैं, और आपस में जो रिलेशन होता है वो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कहलाते हैं। जैसे मैं एक कंपाउंड ए लूँ, दिस इज सी एस थ्री, दिस इज सी एस थ्री, दिस वन इज सी एस थ्री, एच एच सी एल और सी एल। तो आप देखिए सारे आइडेंटिकल ग्रुप पैरेलल हैं, सी एस थ्री के पैरेलल सी एस थ्री, एच के पैरेलल एच, सी एल के पैरेलल सी एल। और अगर मैं अब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में ऐसे रोटेशन करा दूं, तो हमें एक नया कंपाउंड ऐसे मिल जाएगा, सी एस थ्री एच सी एल। इसको हमने रोटेट करा दिया तो नीचे सी एस थ्री आ गया, इधर आ गया एच और ए सी एल। अब देखिए सारे आइडेंटिकल ग्रुप डायगोनल पोजीशन पर आ गए, अपोजिट हो गए। पहले यहाँ बॉन्ड एंगल थीटा जो था वो 0 डिग्री था, अब यहाँ बॉन्ड एंगल थीटा 180 डिग्री हो गया। इस तरीके से सारे रोटेशन करा दिए, अपोजिट हो गए। तो आप देखिए ये जो नया आइसोमर मिला, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के राउंड रोटेशन से मिला। तो ये दोनों एक दूसरे के कन्फर्मर कहलाएंगे, दे आर नोन एज कन्फर्मर्स, और इनमें जो रिलेशनशिप होगा वो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कहलाएगा। अब इस कंपाउंड के इनफाइनाइट आइसोमर्स मिल सकते हैं। जैसे ये जो स्ट्रक्चर मिला 180 डिग्री पर मिला, जब सब पैरेलल थे ऐसे, अब हमें 10 डिग्री पर भी अलग स्ट्रक्चर मिलेगा, 20 पर भी अलग मिलेगा, 90 पर अलग मिलेगा, 120 पर अलग मिलेगा, 180 पर अलग मिलेगा, हर एंगल पर एक डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलेगा। तो किसी कंपाउंड के इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर्स हो सकते हैं। अब हमें सबसे पहले जो डिस्कस करना है, दैट इज कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन ईथेन। ईथेन में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कैसे होती है? तो जो ईथेन है, ईथेन का फार्मूला ऐसे कि दिस इज सी एस थ्री सी एस थ्री, इसमें दो कार्बन है, इसको हमने ऐसे लिख दिया, हर कार्बन पर 3 हाइड्रोजन ऐसे, हर कार्बन पर 3 हाइड्रोजन। अब मैं अगर व्यूअर हूं तो मैं इस कंपाउंड को ऐसे देखूंगा, तो ये फ्रंट कार्बन है जिस पर 3 हाइड्रोजन है, उसको मैंने ऐसे लिख दिया, और पीछे वाले कार्बन को, इस कार्बन को हमने रेड लाइन से दिखा दिया और उसको सर्कल से ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। इसमें सब एक दूसरे के पैरेलल, और यहाँ बाउंड एंगल थीटा 180 डिग्री हो गया। इसको बोलते हैं सौ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन, और इसको बोलते हैं न्यूमेंस रिप्रेजेंटेशन। तो एक सौ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन है, एक न्यूमेंस रिप्रेजेंटेशन। हम लोग न्यूमेन रिप्रेजेंटेशन को ज्यादा यूज करेंगे। तो आप देखिए जो पहला स्ट्रक्चर बना, इसमें सब पैरेलल हैं एक दूसरे के, बॉन्ड एंगल थीटा, सॉरी नॉट 180 डिग्री, बॉन्ड एंगल थीटा इज 0 डिग्री। तो इसको हम लोग इक्लिप्स कन्फर्मर बोलते हैं, ऐसे कन्फर्मर जिसमें सारी वैलेंसीज पैरेलल होती हैं, उसको इक्लिप्स कन्फर्मर बोलते हैं। नाउ दिस इज नोन एज इक्लिप्स। अब हम इस कंपाउंड को 60 के मल्टीपल में 180 तक रोटेट कराते जाएंगे, फ्रंट वाले को तो कांस्टेंट रखेंगे ऐसे, जो रेड लाइन है उसको रोटेट कराते जाएंगे, फ्रंट वाला कांस्टेंट है H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, ऐसे हो गया 60 डिग्री जब हमने घुमा दिया तो H यहाँ आ गया। अब सारे बॉन्ड सब एक दूसरे के अपोजिट हो गए, थीटा इक्वल टू 60, इसको हम स्टैगर्ड बोलते हैं। ये भी न्यूमैन ही है, बट न्यूमैन में जिसमें सब एक दूसरे के अपोजिट हो गए, स्टैगर्ड हो गए। फिर 60 डिग्री घुमा दें, तो जब हमने फिर 60 डिग्री घुमा दिया तो हमें फिर से मिल गया, दिस इज एच एच एन एच, ये वाले एच यहाँ आ गया। यहाँ पर थीटा 120 डिग्री। फिर अगर हम 60 डिग्री घुमा दें,
फिर से हमें ऐसे मिल जाएगा, ये फिर से ऐसे यहाँ आ गया। हमें जो थीटा है 180 डिग्री है ऐसे। तो ऐसे कन्फर्मर जिसमें सब एक दूसरे के पैरेलल होते हैं वो एक्लिप्स कहलाते हैं, जिसमें सब अपोजिट हैं वो स्टैगर्ड हैं। ये अगर स्ट्रक्चर नंबर ए है, ये स्ट्रक्चर नंबर बी है, स्ट्रक्चर नंबर सी है और स्ट्रक्चर नंबर डी है। तो अगर हम ए बी सी डी में स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो बी इज़ मोर स्टेबलाइज देन ए, क्योंकि बी में सब अपोजिट हैं उसमें रिपल्सन नहीं है, ए में सब पैरेलल हैं इसमें रिपल्सन होगा। और जो बी है वो और डी वो दोनों सेम हैं, एंड बी एंड डी आर मोर स्टेबलाइज देन ए एंड सी। अब अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। नाउ ए और सी की एनर्जी ज़्यादा होगी बी और डी से। ऐसे एक्लिप्स क्या है, स्टैगर्ड क्या है, ये क्लियर हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि स्टैगर्ड को जब हम एक्लिप्स में बदलते हैं ये, तो स्टैगर्ड को एक्लिप्स में बदलने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को टॉर्शनल एनर्जी बोलते हैं। और उस दौरान जब जो स्ट्रेन जनरेट होता है, जब अभी स्टैगर्ड में सब एक दूसरे के अपोजिट थे, जब पैरेलल आ गए तो दोनों में एक स्ट्रेन डेवलप हुआ, उस स्ट्रेन को हम लोग टॉर्शनल स्ट्रेन बोलते हैं। तो टॉर्शनल एनर्जी क्या है, टॉर्शनल स्ट्रेन क्या है, किसी स्टैगर्ड कन्फर्मर को एक्लिप्स कन्फर्मर में बदलने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को टॉर्शनल एनर्जी बोलते हैं, और उस दौरान जो स्ट्रेन डेवलप हुआ उसको टॉर्शनल स्ट्रेन बोलते हैं। सो इस तरह से ये इथेन का कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म था। और अगर हम इसमें एनर्जी वर्सेस बॉन्ड एंगल का एक ग्राफ ले लें, दिस इज एनर्जी, बॉन्ड एंगल जहाँ 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, ऐसे हो गए। तो आप देखिए कि 0 डिग्री और 60 डिग्री में 0 डिग्री की स्टेबिलिटी कम, 60 डिग्री की स्टेबिलिटी ज़्यादा। 60 डिग्री की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी कम होगी, और जो 60 डिग्री वाला है वही 180 डिग्री वाला है, जो 0 डिग्री वाला है वही 120 डिग्री वाला है। तो 0 से जब हम 60 पर जाते हैं तो एनर्जी ऐसे घटती है, 60 से 120 पर बढ़ गई, 120 से 180 पर बढ़ गई, 180 पर ऐसे घटती गई। ये एनर्जी है स्ट्रक्चर ए की, एनर्जी है स्ट्रक्चर सी की, ये एनर्जी है स्ट्रक्चर बी की, ये एनर्जी है स्ट्रक्चर डी की। इस तरह से आप देखें कि ए और सी की एनर्जी सेम है, बी और डी की एनर्जी सेम है, इस तरह से। सो दिस इज कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन ईथेन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन ब्यूटेन, ब्यूटेन में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो ब्यूटेन का फार्मूला है CH3, CH2, CH2 एंड CH3। अब इसको अगर हम सहॉर्स में रिप्रेजेंट करें तो ऐसे हो जाएगा। नाउ दिस इज CH3, CH2 एंड दिस इज CH3, CH2। CH3 को मिथाइल बोलते हैं, इसको हम ऐसे लिख देंगे, दिस इज मिथाइल। अब इसका अगर न्यूमेंस रिप्रेजेंट करें हम लोग, नाउ फ्रंट वाले कार्बन को दिस इज CH3 यानी मिथाइल और H, पीछे वाले कार्बन को रेड लाइन से मिथाइल के पैरेलल मिथाइल और दोनों H के पैरेलल H, यहाँ बाउंड एंगल थीटा 0 डिग्री। अब इसको 60 के मल्टीपल में हम 180 तक रोटेट कराते जाएं तो जो पहला स्ट्रक्चर बना वो ऐसे हो गया। फ्रंट को तो हम कांस्टेंट रखेंगे, नाउ दिस इज मिथाइल H NH। अब ये मिथाइल यहाँ आ गया, दिस इज मिथाइल H NH, यहाँ बॉन्ड एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। फिर इसको हमने 60 डिग्री घुमा दिया, दिस इज मिथाइल H NH। अब ये वाला मिथाइल यहाँ आ गया, ये वाला H यहाँ आ गया, ये वाला H यहाँ आ गया। अब यहाँ जो थीटा है, अगेन दिस इज 120 डिग्री, फिर 60 डिग्री घुमा दें,
this is methyl H NH. अब ये मिथाइल यहाँ आ गया. अब दोनों मिथाइल अपोजिट हो गए, यहाँ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री ऐसे. फिर 60 डिग्री का रोटेट कराते जाए. नाउ दिस इज मिथाइल H NH. ये मिथाइल अब यहाँ आ गया, एच यहाँ आ गया और ये वाला एच भी यहाँ आ गया. यहाँ पर थीटा इक्वल टू 240 डिग्री और फिर 60 डिग्री घुमाएं तो ऐसे आ गया. ये मिथाइल एच और एच, यहाँ पर ये मिथाइल एच और यहाँ थीटा इक्वल टू 300 डिग्री और इसको इसमें रोटेट कर दिया तो ये बन गया. ये 0 डिग्री और 360 डिग्री पर सेम आएगा. तो ये वेरियस स्ट्रक्चर बने 60 के मल्टीपल में 360 तक रोटेट कराने से. अब 0 वाले को स्ट्रक्चर 1 बोल दें, दिस इज स्ट्रक्चर 2, दिस इज स्ट्रक्चर 3, दिस इज स्ट्रक्चर 4, दिस इज स्ट्रक्चर 5, 6 और 360 को 7, हालांकि 1 और 7 सेम. जो स्ट्रक्चर 1 और 7 है दिस इज कंप्लीट इक्लिप्स कन्फर्मर. जो स्ट्रक्चर 2 है जिसमें दो आइडेंटिकल ग्रुप के बीच बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है, ये कंप्लीट स्टैगर्ड नहीं है, पार्शियल स्टैगर्ड है. और ऐसे स्टैगर्ड स्ट्रक्चर जिसमें दो ग्रुप्स के बीच बॉन्ड एंगल 60 डिग्री हो उनको गॉच बोलते हैं, दिस इज नोन एज गॉच कन्फर्मर. नाउ ये इसमें क्या है, जब 60 डिग्री घुमाया स्ट्रक्चर नंबर 3 में तो मिथाइल के पैरेलल मिथाइल नहीं एच है, तो दिस इज नोन एज पार्शियल इक्लिप्स. स्ट्रक्चर 4 की बात करें, इसमें सारे मिथाइल अपोजिट हैं एक दूसरे के, सारे एच अपोजिट हैं, तो ऐसे स्टैगर्ड कन्फर्मर जिसमें दो ग्रुप्स के बीच बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हो उनको एंटी कन्फर्मर बोलते हैं. नाउ दिस इज अगेन पार्शियल इक्लिप्स एंड यहाँ पर दोनों मिथाइल अगेन 60 डिग्री पर, तो अगेन ये गॉच कन्फर्मर हो गया, दिस इज गॉच. नाउ अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर 1, 2, 3, 4 में स्टेबिलिटी की बात करें कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है किसकी स्टेबिलिटी कम है, तो स्ट्रक्चर 4 की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि उसमें सारे ग्रुप अपोजिट हैं तो उसमें रिपल्सन मिनिमम है. 1, 2, 3 में 2 की स्टेबिलिटी ज़्यादा है. 1 और 3 में दो आइडेंटिकल ग्रुप या दो डिफरेंट ग्रुप पैरेलल हैं, 2 में वो 180 पे नहीं है बट 60 डिग्री पर है, रिपल्सन कम होगा, तो 2 की स्टेबिलिटी 1, 2, 3 में सबसे ज़्यादा. और 2 और 6 आइडेंटिकल हैं एंड 2 एंड 6 आर मोर स्टेबलाइज देन 3 एंड 5 और 1 और 7 की स्टेबिलिटी सबसे कम. नाउ अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का ऑर्डर रिवर्स, 1 और 7 की एनर्जी सबसे ज़्यादा, देन 3 एंड 5, देन 2 एंड 6 और सबसे कम एनर्जी स्ट्रक्चर नंबर 4 की. सो इस तरह से ही हो जाता है. तो एंटी और गॉच में जनरली एंटी ज़्यादा स्टेबलाइज, गॉच कम स्टेबलाइज. एंटी और गॉच के अलावा बाकी जो रेस स्ट्रक्चर हैं वो हाईली डीस्टेबलाइज होते हैं. तो यानी जो स्ट्रक्चर 0 डिग्री पर है, 120 डिग्री पर है, 240 पर है, ये सब हाईली डीस्टेबलाइज हैं और इनको एक कलेक्टिवली एक अलग सा नाम दे देते हैं, दैट इज स्क्यू कन्फर्मर. कन्फर्मर्स अदर देन एंटी एंड गॉच व्हिच आर हाईली डीस्टेबलाइज, दे आर कलेक्टिवली नोन एज स्क्यू कन्फर्मर. और उनका जो मोल फ्रैक्शन होता है वो नियरली जीरो हो जाता है, उनका मोल फ्रैक्शन नियरली जीरो. तो हमने बताया कि एंटी और गॉच में जनरली एंटी ज़्यादा स्टेबलाइज, गॉच कम स्टेबलाइज. बट ऐसे गॉच कन्फर्मर जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए वहाँ पर गॉच की स्टेबिलिटी एंटी से ज़्यादा होती है, जैसे कि 2-फ्लोरोइथेनॉल. ये कंपाउंड है 2-फ्लोरोइथेनॉल. अब जैसे इसके एंटी और गॉच स्ट्रक्चर को ड्रा करें, दिस इज OH, H, NH. दूसरे कार्बन पर 2H और 1F है. अगर इसका मैं एंटी कन्फर्मर ड्रा करूं, OH, H, NH,
again this is F. अब आप देखिए इसमें OH और F के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, यहाँ बॉन्ड एंगल थीटा 60 डिग्री था, यहाँ बॉन्ड एंगल थीटा 180 डिग्री था, ये एंटी था, ये गॉच था, नो गॉच इज मोर स्टेबलाइज देन एंटी. सिमिलरली मैं अगर इथाइलिन ग्लाइकॉल ले लूँ, इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो इथाइलिन ग्लाइकॉल में अब अगर दोनों OH सिक्सटी डिग्री पर है तो ये गॉच होगा, और अगर वो दोनों अपोजिट है तो एंटी हो जाएगा. नाउ आप देखिए यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, नाउ गॉच की स्टेबिलिटी एंटी से ज़्यादा. तो नॉर्मली एंटी और गॉच में एंटी की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, बट अगर गॉच फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए तो गॉच की स्टेबिलिटी एंटी से ज़्यादा हो जाती है. सो दिस इज अबाउट द कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऑफ इथेन एज वेल एज ब्यूटेन.